वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ में परीक्षा के लिए आए एक छात्र की अन्य छात्रों ने पिटाई कर दी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ऐसा उसके पहनावे को लेकर किया गया है। छात्र ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। छात्र का कहना है कि यह कुर्ता पजामा ही उसके साथ हुई मारपीट का कारण बना है। वहीं कॉलेज प्राचार्य ने इस घटना से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि घटना कॉलेज के बाहर की बताई गई है, कुर्ता पजामा नहीं, किसी और कारण से उसके साथ मारपीट की गई होगी। फिलहाल जांच चल रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी लगाए गए आरोपों की जांच चल रही है। दरअसल मेरठ ब्रह्मपुरी निवासी सुहेल मेरठ कॉलेज से बीए कर रहा है। परीक्षा देने के बाद वह पार्किंग में पहुंचा तो आरोप है कि कुछ युवकों ने उसके पहनावे को लेकर टिकट टिप्पणी की, इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। आज पुलिस ने कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने का कार्य किया। इस बारे में सहायक पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत मीना ने यह जानकारी दी। देखिए, एक तो ये मामला कैंपस के बाहर का परीक्षा के बाद, और उन आप पता चला कि वो छात्र जिसको पीटा गया है वो शायद अब आ भी नहीं रहा है सामने। तो ये जो बात उभर के आ रही है, जो आरोप की जिसके चलते उसके साथ ही मारपीट की गई है, अब हमें तो लगता है कोई मैटर और होगा, किसी और वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं हुई हैं, बच्चे के साथ जो है कुछ मारपीट हुई है तो कैंपस के बाहर भी हुई है। मैटर जो है ये कुछ और ही है, हो सकता आपस का कोई मामला रहा हो जिसके चलते घटना हुई है, लेकिन परीक्षा के बाद कॉलेज के बाहर हुआ है। आरोप क्या लगा रहा है बच्चा? बच्चे को लेकर के कल मैं यहाँ बैठा था करीब, मैं तो 7:30 बजे गया अपने ऑफिस में ही, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन्स वितरण करना है फाइनल ईयर के बच्चों को, तो वही मैं कल मैपिंग कराया शाम तक। एडीएम साहब का था, हमने का परीक्षा भी है लेकिन मैं करा रहा हूँ, मैं कल उसको फाइनल कराया। और आज भी देखिए हो रहा सब सीरियलाइज, परसों 16 तारीख को मुझे इसका वितरण भी कराना, छुट्टी का दिन है, परीक्षा नहीं रहेगी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएँ हैं, इसलिए जो है वर्किंग आवर में नहीं संभव हो पा रहा था। तो फिर वो काम में हो रहा, मैं यहीं पे था तो उन्होंने कहा कि आप सर हैं ऑफिस में, हमने कहा मैं ऑफिस में हूँ, 7:30 से पहले मैं कभी नहीं जाता। तो दरोगा जी आए और बच्चे को लेकर आए थे, तो बच्चा कुर्ता भी उसका थोड़ा सा बिखरा हुआ था, तो ये बताया कि कुर्ते को लेकर के कुर्ता क्यों पहन के आए हो और तुमको ऐसे नहीं आना चाहिए, और इसी बात को कह रहा था लेके मारपीट हो गई। अब सच्चाई क्या है हमें तो नहीं लग रहा है कि कुर्ता को लेकर के कोई मारपीट हुई होगी। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, कैमरे से तलाशे जा रहे हैं, बच्चे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और मामले के तहत तक पुलिस जा रही है, और जो भी सच्चाई होगी जांच के बाद उसकी पुष्टि हो जाएगी और पुलिस जो है नियमानुसार। वहीं कॉलेज प्राचार्य ने यह जानकारी दी। थाना लालकुर्ती में की घटना है, 13 मई को एक व्यक्ति ने शिकायत करी है, छात्र हैं वो, कि वो परीक्षा देने आए थे, उनके साथ में कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की है, उन्होंने तहरीर दी है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे कार्रवाई करी जा रही है। सर मारपीट की वजह क्या बताई जा रही है, क्यों मारा? वादी का कहना है कि उनके पहनावों को लेकर उन्होंने कुछ तंज कसा था जिसके चलते झगड़ा हुआ है, और असली वजह क्या है उसकी हम छानबीन कर रहे हैं। अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।